हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत करते हैं फिर से एक बार अपने चैनल पर, अयोध्या ब्लॉगर दिव्या में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये रहता है कुछ स्पीड, ऐसा जब ब्लॉग स्टार्ट करते हैं ना, तो ये स्पीड रहता है कि हाँ ऐसे बोलना, इतना बोलना है, मतलब एक सांस में लगातार फटाफट फटाफट बोलते चले जाओ, रुकने का वो नहीं होता। इसके बाद जब टॉपिक पे आ जाओ तो थोड़ा सा रुकना है। तो हाँ, मैं क्या बात कर रही थी कि आज है मेरी जिठानी जी का बर्थडे और उनको बिल्कुल भी याद नहीं है, मुझे भी नहीं याद था, घर में किसी को नहीं याद था। तो अभी मैंने जस्ट देखा फोन में तो याद आया, वो अभी दीदी छत पे गई हैं कपड़े फैलाने, तो वो आएंगी। वैसे ही मैं उनको आज बर्थडे विश करूंगी, देखते हैं ऑन कैमरा उनका क्या रिएक्शन रहता है, क्या बोलती हैं, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। और हाँ, आज दीदी का फास्ट भी है, आज है सप्तमी, तो बहुत लोगों के यहाँ सप्तमी रहा जाता होगा जो है बेटे का व्रत होता है, तो दीदी का भी है। तो चलते हैं अभी पूछ, देखते हैं क्या होता है, ऑन कैमरा दीदी का रिएक्शन दिखाते हैं आप लोगों को अभी। और मेरा गुगू जो है इधर ये सो गया है, आप इधर सो गई है, मैं भी इधर लेटी थी ऐसे, तो मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ा सा बात करें। ब्लॉग तो कोई स्टार्ट नहीं किया ना, कोई मतलब ब्लॉग कोई शूट ही नहीं किया था कल से। तो अभी है यहाँ पे जिठानी जी का बर्थडे सेलिब्रेशन, कैसे होता है क्योंकि आज व्रत है, वो ऐसा कुछ हो नहीं सकता कि केक वगैरह कटे, तो देखते हैं शाम तक क्या क्या होता है, कैसे सेलिब्रेट हम लोग करते हैं दीदी का बर्थडे, व्रत है दीदी। तो चलिए, खाना वगैरह बन चुका है, सब करके मैं लेटी हुई हूँ, रेडी हुई हूँ। आज मेरे फ़ोन में थोड़ा सा दिक्कत आ गई है, पता नहीं क्या है, मुझे समझ खुद ही नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है मेरे फ़ोन में, तो वही मैं देख रही थी अभी लेट के। तो चलिए, भैया जा चुके ड्यूटी, हस्बैंड जी ड्यूटी, बच्चे स्कूल गए, एक बच्चा सो रहा है। तो गाइस, दीदी आ चुकी है यहाँ पे, तो हैप्पी बर्थडे दीदी। याद था, सुबह से ही आता है, हम ही को नहीं याद था, अभी हम देखे तो हम गए, अभी बताते हैं दीदी को याद है कि नहीं याद है, आज हैप्पी बर्थडे है उनका, और फास्ट भी है, व्रत है आज दीदी का सप्तमी का। कैसे मनाएंगी? रबड़ी काट देंगी। केक की जगह आज दीदी काटेंगी रबड़ी। तो गाइज, मेरा पोपट हो गया, दीदी को याद था सुबह से ही, उनको पता चल गया होगा। पीहू सुबह विश करी होगी ना, पीहू की है ना, ध्यान नहीं है। तो किस कैसे याद है आपको, कोई विश नहीं किया, ऐसे याद है कि हमारा आज बर्थडे है, बुराई नहीं। अरे ल, दीदी का याद था, डेट वोट एकदम फिक्स याद है कि मेरा आज बर्थडे है, और कोई नहीं याद रहा है। भैया विश किए थे ध्यान। भैया भी उठ के, दीदी टिफिन उफिन बना दी, चले गए ऑफिस, याद ही नहीं है किसी का, किसी को, पहले हम हैं जो बर्थडे विश किए हैं। ये आ चुके हैं इधर उधर लटखटाते हुए, आज कुछ याद है? याद है। क्या ये हाथ मुंह धुलेंगे, मैं इनका खाना लगा देती हूँ तब तक फटाफट से, और पहले बताओ क्या याद है? आज बर्थडे है किसी का। अच्छा, इनको भी याद है। अरे अरे, गुड मॉर्निंग, क्या हुआ? गुड मॉर्निंग कर दो गाइस, से हाय, गुड मॉर्निंग। मेरे गाइस कहाँ आए, चुछु कर दिया ऐसा लगा गाइस। हो गया है, बर्थडे है बड़ी मम्मा का, बोल दो, बोल दो, हैप्पी बर्थडे बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल दो बाबू हैप्पी बर्थडे, बोल दो, बोल दो बड़ी मम्मा को, कह दो हैप्पी बर्थडे, कहो कहो, क्लैपिंग करके, अच्छा बोल दो, हाँ हैप्पी बर्थडे बोल दो, क्लैपिंग करके बोल दो, हैप्पी बर्थडे टू यू, मुंह से भी बोल दो, मुंह से भी बोल दो, हैप्पी बर्थडे बोलो बेटा। पे पापा के आते ही अव्य जग चुकी हैं, और पापा के साथ क्या कर रही हो? माम माम कर रही है, खाना खा रही है, डांस भी कर रही है साथ में, क्या कर रही हो क्या बेटू, और क्या कर रही हो, ये ऐसे ऐसे, अरे वाह, और खाना भी माम माम कर रही है, पापा के साथ खाना खा रही है। किसका हैप्पी बर्थडे है आज, बता दो, बता दो, मम्मा, मम्मा का है, कौन सी मम्मा का,
कौन सी मम्मा का? बड़ी मम्मा का ना? कौन सी मम्मा का? वो बड़ी मम्मा का। कैसे करोगी हैप्पी बर्थडे? हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। केक कैसे काटेगा बाबू? केक भी तो काटेगा। तो यहाँ पे ये है मेरा दोपहर का टाइम, जहाँ पे अभी अव्या थोड़ा सा सो गई हैं और हस्बैंड खाना खा के चले गए हैं, तो यहाँ पे मैं थोड़ी सा फ्री हुई हैं। तो जब मैं थोड़ा सा फ्री होती हूँ तो अपना काम लेके बैठ जाती हूँ, या तो यूट्यूब का काम रहता है एडिटिंग करना, या तो फिर किसी और काम में बैठ लग जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, आज अपना सिलाई का काम कर रही हूँ। बहुत सारी कुर्तीज वगैरह जो रहती है हमारी, तो उसको फिटिंग करना था। और ये साड़ी थी जो, इसको मैंने सागर वाले के यहाँ से ली थी चौक से। तो यहाँ पे मुझे बहुत बड़ा, मतलब जान कि धोखा मिला कि क्या मिला, ये 3,000 की मेरी साड़ी थी जो कि मैंने करवा चौथ पे पहनी थी, आप लोग देख सकते हैं। तो इस साड़ी को ना फॉल ऑल लगवा लिया था, लेकिन जब एक ही बार मैंने पहना, एक बार करवा चौथ में पहना, एक बार हल्दी में पहना अपने भैया के, और नीचे से इसका पूरा मतलब कट गया है, जहाँ पे फॉल लगाई जाती है सबसे नीचे की किनारी, ये पूरी पूरी साड़ी में ही मतलब कट रही है, गिर रही, मतलब लटक रहा है नीचे। तो उसको अब क्या ही कर सकते हैं, इतना दिन हो गया लाए और अब कोई उपाय तो था ही नहीं। तो यहाँ पे मैं बड़ा मतलब टेंशन में थी कि इतनी मतलब लेके आओ साड़ी, फिर पहनो भी ना। और साड़ी बहुत अच्छी है, इतनी सॉफ्ट है और देखने में भी मुझे बहुत अच्छी लगती है मेरी। तो फिर क्या करना था, अब एक आइडिया आया मेरे दिमाग में, तो मैंने इस साड़ी का फाल जो है पूरा निकाल दिया है, और फिर मैं दे दूंगी टेलर को, क्योंकि इससे मेरा काम नहीं होने वाला, क्योंकि पूरा नीचे से मैं पतला सा सिलवाऊंगी अंदर की तरफ फोल्ड करा के, और इसमें मैं लगा दूंगी फॉल, उन्हीं से ही लगवाऊंगी ताकि अच्छे से बैठ जाए। और इसके बाद आज खाना भी मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी बनानी थी, तो यहाँ पे मैं खाना वगैरह बना चुकी हूँ। खाना नॉर्मल सा खाना बनाया, भिंडी की सब्जी रोटी। और इसके बाद किचन जो है मुझे बहुत अच्छे से क्लीन करना था, क्योंकि यहाँ पे पूजा का खाना आज बनाना है रात में, वो भी बनेगा जब सब लोग सो जाएंगे, सोने लगेंगे तब वो खाना बनेगा। तो यहाँ पे मैं किचन वगैरह अच्छे से क्लीन कर दे रही हूँ, और बर्नर और जितने स्टैंड वैसे मैं रोज़ साफ़ करती हूँ, लेकिन आज पूजा के नाम पे था, तो ये रखा ना कि बिल्कुल भी ज़रा सा भी कहीं जूठा नहीं रहना चाहिए कोई चीज़ें, सारी चीज़ें अच्छे से साफ़ करनी है। तो यहाँ पे अभी दीदी बनाएंगे अपना पूजा वाला खाना, और मैंने खाना बना के हटा लिया और सभी के लिए। और दीदी का आज बर्थडे सेलिब्रेशन इसीलिए नहीं हो रहा है, क्योंकि कल व्रत था दीदी का, तो वो मना कर दी थी केक वगैरह नहीं काटेंगे। तो कोई नहीं, अब हम लोग अगले दिन किसी दिन सेलिब्रेशन उनका कर लेंगे बर्थडे। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह लगा के किचन हम एकदम क्लीन कर देंगे, और दीदी अभी रात में बनाएंगी पूड़ी, और वो क्या कहते हैं आटे का हलवा, जो तो इधर लपसी भी बोलते हैं, तो वही चढ़ता है पूजा में। और जैसे कि मतलब मेरी सास चढ़ाती थी वैसे ही दीदी पूजा करती है। और चने का, जो कि चना भी कच्चा चना भिगो के इसमें चढ़ाया जाता है, तो सावन का, सावन में मतलब लग गया है तो इसमें इसकी पूजा भी होती है। और यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे जब भी मतलब मेरा रात में अगर मैं क्लीन करती हूँ, तो यहाँ पे टैबलेट सब सारा चीज़ में कपड़े से पोंछ देती हूँ। अगर कपड़े से पोंछ दूँ ना तो इसमें पानी के छींटे नहीं लगे रहते, और प्यास मुझे बहुत देर से लगी थी, तो यहाँ पे देखिए पानी भी मैंने पी लिया है। अब मेरा लास्ट काम जो बचा है यहाँ पे, किचन नीचे साफ़ करने के, क्या किचन फ्लोर पे, यहाँ पे मैं नीचे अच्छे से पोछा लगा दूँगी, क्योंकि यहाँ कितना भी हो कूड़ा या झाड़ू, रोटी बनाओ तो कुछ ना कुछ गिरा रहता है, और ना भी गिरा रहता है लेकिन एक मन में जो बसा है ना, तो उसको भी साफ़ करना है नीचे, क्योंकि पूजा का खाना बनना है। तो यहाँ पे फाइनली अभी हम लोगों का खाना हो चुका है, अब दीदी आ गई हैं किचन में, तो दीदी अब यहाँ पे बना रही हैं अपने लिए पूड़ी, अपने लिए क्या, पूजा के लिए पूड़ी। और ये पूड़ी ना रात में ही मतलब बना के रखे जाते, कहते हैं ना शीतला माता, दीदी से मैंने पूछा तो बता रही थी शीतला माता को ठंडा खाना चढ़ता है, तो रात में ही बना के और मंदिर में रख दिया जाएगा, और सुबह सुबह भोर में ही सूरज निकलने से पहले इसकी पूजा कर दी जाएगी, जब भी मतलब 5-5 बजे के टाइम में ये पूजा कर दी जाती है, ताकि ज़रा सा भी मतलब धूप ना निकली रहे। और आज का मौसम तो वैसे इतना अच्छा है कि धूप सुबह से, सुबह की अभी दोपहर हो गई तब तक भी धूप नहीं निकली है, बहुत ही अच्छा मौसम है। तो ये बस रहा सुबह की क्लिप, जहाँ पे ये देखिए सब लोग जग चुके हैं, सब लोग क्या दीदी जग चुकी हैं, और यहाँ पे पूजा भी दीदी की आधी हो चुकी है तब मैं यहाँ पे देखी हूँ। तो यहाँ पे दीदी अंदर ही नीचे पूजा कर रही हैं, किचन मंदिर वाले रूम में पूजा कर रही हैं। तो दीदी अभी अकेले ही पूजा करती थी, तो पहले अम्मा थी और अब दीदी करती हैं। तो ये शीतला माता का पूजा होता है, जो कि नीम के पेड़ का, मतलब मेन जो है नीम का पेड़ होता है। तो दीदी गांव से डाल, नीम की डाल और आम का पल्लो वगैरह मंगा ली थी, तो यही पूजा करती है। पहले था तो गाँव पे
पेड़ लगे होते थे। और किस किस के यहाँ ये पूजा होती है आप लोग बताइएगा, आप लोगों के साइड भी होती है या शीतला माता की पूजा या सप्तमी की पूजा इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे दीदी गमले में जो है नीम की डाल मंगवा ली है और उसी को लगा देंगी, तो उसी से पूजा करेंगी। क्योंकि यहाँ पे कहाँ जाएँ पूजा करने, दीदी बोल रही थी कि पहले था तो गाँव पर हम लोग जाते थे, मंदिर थी गाली चौरा का, तो वहीं पर नीम का पेड़ भी, नीम का पेड़ तो घर घर लगा रहता है लेकिन मेन जो होता था एक जगह पर गड्ढा कर दी जाती थी पूजा करने। तो यहाँ पे देखा ना मैंने कि दीदी ने थोड़ा सा गड्ढा बनाया था नीम के पेड़ के आगे गमले में, और उस गमले में फिर वो जो पूड़ी वगैरह जो बनाई थी दीदी नीचे तो चढ़ाई है लौंग के साथ, और इस गमले में वही गड्ढे में पूड़ी और ये सारी चीज़ें रख के और ऊपर से फिर से मिट्टी रख देंगे और पानी डाल देती हैं। वो बोलती हैं कि मतलब शीतला माता को ठंडा किया जा रहा है, ऐसे ही ठंडा किया जाता है। और तो ये पूजा तो मैं यहाँ मतलब जब से मेरी शादी हुई पहली बार देख रही हूँ, मायके में तो होती नहीं। और यहाँ आप लोग अगर देख रहे हैं किस किस के घर ये वाली पूजा होती है बताइएगा मुझे। और छत पे ना इतनी तेज हवा चल रही थी कि वहाँ माचिस या आरती वगैरह करना एकदम मतलब कुछ जल ही नहीं रहा था। और छत पे अभी मेरे यहाँ सब लोग सोए हुए थे, तो उधर ज़्यादा मूव करने पे कैमरा में सब सारी लड़कियाँ जो रहती हैं वो सब लोग सोई थी, और हम लोग भी आज ऊपर ही थे अभी सुबह सुबह। तो यहाँ पे दीदी पूजा कर रही हैं, और ऐसे ही सप्तमी की मतलब पांच सप्तमी रहा जाता है पहले से ही, और जो सावन की सप्तमी पड़ती है एक बारिश जब हो जाए तभी ये पूजा होती है, और बिना बारिश के ये पूजा नहीं होती, जब बारिश होने के बाद ही ये सप्तमी की पूजा पूरी होती है। और तो यहाँ पे देखिए पूड़ी को अंदर नीचे दीदी डाल दी है, ऊपर से मिट्टी भी डाल दी है और पानी भी डाल दी। तो मैं यहाँ पूछ रही थी ये क्या कर दी, तो वही दीदी हंस रही कह रही नहीं ऐसे ही शीतला माता को ठंडा किया जाता है। तो वही मैं बड़े ध्यान से देख रही हूँ। और मेरी बेटू यहाँ पे जग चुकी हैं, सुबह का टाइम है तो ये बहुत जल्दी आज जग चुकी हैं और मम्मा के साथ अपने पूजा कराने आ चुकी हैं। और यहाँ पे वो सुबह सुबह बर्ड देख के भी बहुत ज़्यादा खुश रहती हैं। तो इस तरह होती है सप्तमी की पूजा। तो आपके घर क्या होती है ज़रूर बताना कॉमेंट में। तो आज का ब्लॉग ये रहा, मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।